सो वेलकम, आज आप लोगों का स्वागत है ऑनलाइन लर्निंग बॉक्स में। और ये बिल्कुल हिंदी में ट्यूटोरियल है जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग लोगो टाइप ऑफ इलास्ट्रेशन और आइकॉन टाइप ऑफ इलास्ट्रेशन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इलास्ट्रेटर। एंड दिस इज़ इलास्ट्रेटर वर्सन सीसी 2020 एंड नाउ स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रश कैसे बनाते हैं, मैंने मेरे पिछले वाले वीडियो में जो कि इंग्लिश में है वहाँ पर मैंने दिखाया था कि ब्रश कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर मैंने सिंपल सा स्ट्रोक लिया और ये किया, और मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे ब्रशेस हैं जिस ब्रशेस से आप कार्टून बना सकते हैं। तो आपको अगर चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं F5 प्रेस करता हूँ तो आपको ब्रश मिल जाएगा। नाउ सिलेक्ट दिस वन एंड नाउ हिट हेयर एंड क्रिएट ए न्यू आर्ट ब्रश। ओके, एंड नाउ हेयर यू कैन फाइंड सम डायरेक्शंस। दिस इज ए स्ट्रोक फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ओके, इफ यू नीड राइट टू लेफ्ट स्ट्रोक, अगर आपको चाहिए राइट से लेफ्ट तक स्ट्रोक तो आप ए वाला डायरेक्शन सिलेक्ट कीजिए। तो मैं ए वाला डायरेक्शन सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे हैं जो फिक्स्ड है, प्रेशर्स है, स्टाइल वेल्थ है और टिल्ट है, बेयरिंग रोटेशंस। तो नाउ मैं इसको रहने देता हूँ ऐसे फिक्स्ड। सो यहाँ पर फ्लिप अलोंग एंड फिर फ्लिप अक्रॉस, और मैं ए वाला सिलेक्ट नहीं करूँगा, ए वाला सिलेक्ट करूँगा। एंड देखते हैं ये वाला सिलेक्ट करके क्या ऑप्शन आता है। ओके, देखिए ओवरलैपिंग में कुछ प्रॉब्लम होता है, नहीं तो ये ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले फेस एक बना लेते हैं। तो फेस बनाने के लिए लोग एक डायमंड शेप स्टाइल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर स्मूथ सिलेक्टेड होगा तो थोड़ा सा एक्यूरेसी की तरफ लेके जाते हैं। तो देन ट्राई करते हैं और एक बार देखिए, और अगर खुश है इस शेप से तो आप जा सकते हैं इस शेप से। इस जो बेसिक शेप है उससे आप काम कर चला सकते हैं। तो यहाँ पर आई थिंक दैट शुड बी बेटर इफ यू ओके। नाउ ए एक पार्ट हुआ, देन व्हाट गोइंग टू डू दिस पार्ट। ओके, नाउ हम क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट एंड नाउ प्रीव्यू मोड ऑन कीजिए, कॉपी कीजिए। देन ए एक कॉपी बन गया। नाउ हिट दिस राइट एरो बटन जो आपके कीबोर्ड में है। देन हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ने के लिए देन ब्रशेस पे जाइए, देन कीप सिलेक्टेड, हिट ओके। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड मैं आपको सिखा रहा हूँ ताकि आप इससे भी काम कर सकते हैं या पेन टूल से भी काम कर सकते हैं, जिससे आपको आसानी हो। लेकिन ब्रश से कोई इतना ज़्यादा नहीं सिखाता, ज़्यादातर पेन टूल से ही करते हैं। लेकिन थोड़ा सा ब्रश पे भी देखिए, ब्रश हैव लॉट्स ऑफ कैपेबिलिटी, लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़। ओके, सो यहाँ पर कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सीजर टूल लेंगे। नाउ कट दिस प्लेसेस, आई थिंक दिस कट दिस वन एंड this is unnecessary part, now here and join. See, ये तो join हो गया। तो another thing we need to do, that's it's give a stroke here like this। ये किसी लड़की का है तो ये logo type of illustration से जो African style है उससे हम लोगों को करना पड़ेगा। तो then put a round circle like this, okay. Now the round circle and here a little bit of
right in the space. Okay, now put it here and इसको बिल्कुल close कर दीजिए. मैंने join this one and curvature tool से भी कर सकते हैं, paint tool से भी कर सकते हैं, no issue. यहाँ पर आपको दिखाना नहीं है क्योंकि ये off हो जाएगा. ठीक है, then काम कर सकते हैं हम लोग, go to this effect option and यहाँ पर wrap वाली या style से यहाँ पर बहुत सारे हैं. यहाँ पर styles, यहाँ पर destroy transform में जाइए, यहाँ पर zigzag आपको दिखाई देगा एंड देन स्मूथ. इफ लोग अगर स्मूथ करते हैं तो ऐसा आता है, तो ऐसा आता है. रिलेटिव करते हैं तो बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है. तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, अगर देखते हैं इसको, हिट करते हैं ओके एंड नाउ एक बन गया हमारा कुछ ऐसा टाइप ऑफ. देन इसको इसको कलर देना पड़ेगा. तो देन कलर देने के लिए हम लोग थोड़ा सा डार्केस्ट कॉम्प्लेक्शंस यूज़ करते हैं यहाँ पर. ओके नाउ सी दिस. तो बहुत अच्छे से एक फेस बन के आया. लेकिन और एक काम भी कर सकते हैं हम लोग कि अगर यहाँ पर लगा लेते हैं और देन एक छोटा सा ऑल्ट करते हैं और छोटा सा यहाँ पर देते हैं एक सर्कल, जिस सर्कल को यहाँ पर रखते हैं जस्ट राइट ऑन दिस प्लेस. ओके नाउ हम एक काम करते हैं कि इसको डुप्लीकेट करते जाते हैं. ठीक है, नाउ डुप्लीकेट करने के लिए एक सबको एक कॉपी कंट्रोल प्रेस इट फॉन्ट, नाउ सेलेक्ट ऑल ऑफ दिस थिंग्स. यहाँ पर एक रोटेट टूल है, नाउ आर को दबाएंगे, रोटेट टूल है. देन यहाँ पर देखिए सेंटर दिखा रहा है, ये सेंटर दिखा रहा है. देन हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रांसफॉर्म एंड रोटेट करेंगे. तो देन क्लिक वंस मोर. तो हम लोगों को कितना चाहिए कॉपीज, ओके देन देखते हैं इसको. एंड आई थिंक दैट 8 degree 10 degree तक ठीक है, नो इशू. एक कॉपी बना लेते हैं. देन नो सॉरी दिस इज नॉट गुड एनफ. देन क्लिक करते हैं, प्रीव्यू मोड ऑन रखने दीजिए और ये ठीक है. ठीक है, तो अब कंट्रोल डी 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 करते करते हम लोग ऐसे कर सकते हैं. ठीक है, देखिए और हो गया हमारा थोड़ा सा सर्कल में कुछ डिज़ाइन वगैरह. तो हम इसको पुट कर सकते हैं यहाँ पर, इसको हटा देते हैं, ये भी कर सकते हैं. ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव रखते हैं, कुछ अगर अलग कर सकते हैं तो ठीक है. तो यहाँ पर इसको रख देते हैं. देखिए बहुत ही आसान है और बहुत ही ईजी है, कोई मतलब चक्कर नहीं. आप लोग भी इलस्ट्रेटर बन जाइए. ठीक है, तो आसानी से बन गया. लेकिन यहाँ पर और एक ब्रश टूल लेते हैं. देन लेने के बाद इस पोर्शन के बॉडी के और एक पोर्शन के बनाते हैं. देन बनाने के बाद यहाँ पर हमारा इसको और एक कॉपीज बनाना पड़ेगा. देन सेलेक्ट दिस वन, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट एंड नाउ कॉपी. एंड यहाँ पर एक तो कॉपी यहाँ पर हुआ, देन दिस टाइप ऑफ कॉपी यहाँ पर हुआ. देन हम लोग क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे. अगर ठीक तरीके से ज्वाइन होता है, देखिए यहाँ पर ज्वाइन हो, दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, तो पीछे चला जाएगा बैकग्राउंड में, कोई इशू नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. हम लोगों ने ठीक ही किया. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ऐसे रहने दीजिए. ठीक है, तो थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, ज्वाइन कर दिया हम लोगों ने. और यहाँ पर एक इशू आ रहा है जो हम लोग नहीं चाहते, तो उसको हम रहने देते हैं, क्योंकि ये
ब्रश टूल से ठीक तरीके से नहीं होगा, तो ये समझने वाली बात है। तो हम लोग पेन टूल से कटते हैं, कोशिश देखते हैं कि पेन टूल से ठीक होता है, आज ज़रूर पेन टूल से ठीक होगा, ठीक है, पेन टूल से ठीक ही होगा सब कुछ, ठीक है। और एक पार्ट बन गया, देन इस पार्ट को हम लोग फिर से वही मेथड अप्लाई करेंगे, देन दिस वन एंड नाउ कॉपी पेस्टेड फॉन्ट, नाउ ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट एंड यहाँ पर ओके के करने के बाद यहाँ पर इसको रहने देते हैं। देन इस जगह पे हम लोगों को करना होगा, देन देखते हैं कि ठीक है नहीं, तो ये हम लोगों को पाथफाइंडर टूल है यहाँ पर। अगर आपको पाथफाइंडर टूल नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर जाइए विंडोज़ एंड दिस इज़ शिफ्ट कंट्रोल F9 फॉर विंडोज़ यूज़र, दिस इज़ पाथफाइंडर टूल एंड हियर एक तरीके से ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको एडिट क्लिक करते हैं तो ये हमारा एक पार्ट हो गया, और देन इसको हम थोड़ा सा ठीक करेंगे, ब्रश इसको स्ट्रोक देंगे, देन ब्रश स्ट्रोक यहाँ पर है और यहाँ पर ब्रश स्ट्रोक देंगे, देन देखिए ये ठीक हो गया। एंड देन इस जगह पे फिर से इशू आ रहा है, तो इसको काम करते हैं, ज्वाइन करके देखते हैं, लेकिन यहाँ पर डिलीट कर देते हैं कुछ, अगर हाँ अभी ठीक है, इसको देखते हैं डिलीट करके, ठीक है। तो इसको काम करते हैं, यहाँ पर लेके आते हैं, देन इस रेक्टेंगल टूल से इसको कट डाउन करते हैं। बिफोर ऑल डूइंग ऑल ऑफ दिस, यहाँ पर देखिए कुछ इशू है जिसको हम लोगों को ठीक करना पड़ेगा, तो उसको स्मूथीफाई टूल से स्मूथ कर देते हैं, ठीक है, स्मूथ हो गया। एंड देन स्मूथ इट विद द हेल्प ऑफ द स्मूथीफाई टूल, जो पेंसिल टूल के नीचे है, ठीक है ना, उसको यहाँ पर रखते हैं, नाउ कट इट, ओके, नाउ कॉपी पेस्टेड फॉन्ट, नाउ ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट, ओके ओके, नाउ नाइस। इस बारे में कुछ यहाँ पर ठीक करना होगा, दस बॉडी को, बॉडी के पार्ट को, और देखिए यहाँ पर ये स्मूथ करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ ऑलमोस्ट डन, हम देखते हैं कि ये ठीक ठाक बैठता है या नहीं, परफेक्ट, यस, यहाँ पर और एक इशू आ रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं इसके डेप्थ पे, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, और देन इसको एक काम करते हैं, देन फॉर्मल ड्रेसेस दे देते हैं, ओके ओके। नाउ इसको क्या करते हैं, इसको ऐसे रखने देते हैं, और यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक करने के लिए इसको नीचे कीजिए, नाउ देन यहाँ पर फिक्स करना होगा हम लोगों को, एंड देन फिक्स दिस ऑप्शंस, फिक्स दिस थिंग्स, थोड़ा सा इस जगह को ताकि थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे ये आइकन, ओके, और इसको थोड़ा सा, ठीक है। Now, what I'm going to do, just the same method, cut it, this not necessary here, and now cut this one, copy paste it font, transform, reflect, hit OK,
now after hitting OK, I get this thing. कट कर देते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ शेप बिल्डर टू। नाउ सब कुछ ठीक है, इसके ऊपर हम लोगों को कुछ कम करना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा ड्रैग करते हैं इस साइड और थोड़ा सा फॉर्मल ड्रेसेस। ओके एंड नाउ ओके नाउ सेलेक्ट दिस वन एंड हिट डाउन स्ट्रोक में दबा रहा हूँ, डाउन स्ट्रोक एंड दिस इज द राइट प्लेस। ओके नाउ सी ऐसे ही बनाना पड़ेगा आप लोगों को भी, अगर आप लोग लोगो या आइकन बनाना चाहते हैं तो ये मैंने इंस्टेंट रखा कि कैसे बना सकते हैं आप लोग, ठीक है, हाउ टू मेक एन अवतार लाइक थिंग्स। सो यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा ये कुछ ठीक नहीं हुआ एंड देन हम लोगों को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, देन दिस थिंग्स इज बेटर। सो नाउ आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर काम करते हैं, सर्कल लेते हैं, देन सर्कल से इस जगह को क्या फिल करते हैं, बिल सर्कल दिस इज ओके एंड नाउ थोड़ा सा ऐसा होगा, क्या होगा दिस सर्कल नाउ दिस टाइप ऑफ थिंग्स आई नीडेड दिस टाइप ऑफ थिंग्स नाउ एंड कट दिस वन एंड we get this option, this गले का जो एक पोर्शन है ये हमें मिल गया, देन हमें दिस पोर्शन को बनाना होगा जो लोग पेन टूल से बना सकते हैं। ठीक है, पेन टूल से हम बना सकते हैं इसको, ओके नाउ इस पार्ट को यहाँ पर क्लिक करते हैं, देन इस पार्ट को ड्रैग करते हैं, देन इस पार्ट को भी ड्रैग करते हैं, देन सी इट्स दिस पार्ट लेफ्ट असाइड दिस पार्ट फॉर लेटर यूज कॉपी पेस्टेड फॉन्ट now transform reflect hit okay and this is your the another part now if and now does not okay now select both of these things, see this is not necessary thing, okay let's modify this one, ओके स्मूथ हो गया, देन यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं इसको, देखिए ये ठीक तरीके से बनने वाला है, देन इसको कट कर देते हैं, इसको देन ओके सो
Now this says an option here. We need to draw a eyes and eyebrows. So here not selected. Keep not uncheck this option, and now so it's a beautiful eyes. We need to create this beautiful eyes, and now after that group it here and paste it something like this, and I think there's a very okay. Now draw it and ungroup it. Now join, we're joining fill group. Okay, now copy paste font. Now transform reflect it. Okay, now see, this is one thing. Now with the help of same brush tool, we need to draw the rest of the part, and here I'm taking these options and so this is the thing we need to draw the nose, and drawing nose. Okay, so it's looks good. Okay, now this is another thing, the face part, mouth part. So this making mouth part, but this one and this one join this part, and now we have got this part also. Okay, I think okay. Now for this thing, I think that red color should be like this. Now transform reflect copy. So join this one and to this another part, the remaining part comes from here. And smart guide tool also help you to find out the right place. So always turn on smart guide, which is very helpful. Copy paste it font. Now transform reflect it. Okay, just put it like this. So here no strokes, no strokes. Now changing the color, go to here and some black options like this, but differentiated the up and upper lips and lower lips. So and if we put it something like that, as it is very angry looking. Okay, no problem, no issue. Just I'm showing you how can you create this type of vector illustrations. Okay, and there are another thing you can do it yourself. Just
put this like like this. Okay, and here from this portion I'm just changing this eyes. Okay, this eyes is not good looking here. And this portion is also need to change. Sorry, this is so here I need to fix this thing and go with this handle and pick it off. Now let's modify the options. This options you can nicely handle this thing and check it out. Group everything, control G and put it here. See, this is copy pasted in a copy pasted font. Now simply go to this transform reflect, hit OK and put it here. So this is, and here we need to change this things and this one also. Group it and change like this. Say this is too small, it's not looking good. Now it's nice. Okay, sorry, here double eyes. Because unfortunately I'm hitting Alt. If you hit Alt, it's duplicating this. It's okay. So यहाँ पर रखते हैं इसको. Now this place. This is smart guide on. So it's rightly say this is your center place. Now see, this says not. Right, so I think this is now center. Okay, this is intercept. See, this is intercept. Okay, now we are going to use this pen tool here. So check it out. This is right place. So this is a part. Now see, I need to fix this part. Okay. Copy pasted font, no. transform reflect, hit okay. Okay, now you can join this, all of these things, join, but here a little problem occur once more. This is unnecessary part. Deleting this unnecessary part. Delete this unnecessary part. And now smooth. Actually, you can get this type of thing. So, and now
for beautifications. Lower, little bit of lower. Start now. You can clearly see this is part is ready. So now see this is the time. See up and change the opacity of this portions. Okay, now this out. Okay, so from this point of view, I think this is Control 2 for locking this option. So Control 2 once again for lock this here. So lock this here, and right arrow, left arrow using this option and closer to this nose. Okay, just looking better. So here it's some angry looking, it's not good. So we are going to change this eyebrows. It's completely change the definitions of it's just okay of looking or body language. So it's something like that. It's not so angry. Okay, now it's deleting this part. Now group this one, put it here over here. Now copy paste it, font transform reflect it. Okay, put it over here and see this is change its definitions of. Okay, so there are lots of options you can play with this. So here I'm going to make another for shadow like thing. So this one, and now need to change this stroke portions, because I'm going to show you how I create this type of thing. Now this, and show this shadow will almost done. This options. Okay, and put this, join this one. Okay, joining, after joining this one. Fill this everything, and now change the opacity down something like this, something like that. And here I'll create a problem after with lots of points, lots of anchoring points you can see, and just delete this anchoring points, it's not necessary here. So this is one, this one. Change the opacity down like this, and I think this is good enough. Now, let's wait for some time. Now hit Alt.
to for unlocking this everything, and hold it shift with shift, and now delete this part. Okay, now clone this. Okay, now see, let's see this shadow part, this cartoon like of illustrations. Okay, cartoon type of illustration. So this one, no cartoon type of illustration. So here we go, our illustrations is almost ready, but here I need to fix this options subcut like for things. Okay, now for this portions, okay, selecting this one, cut this one, and so this is a problem. So control Z, here we need to fix this problem completely. So copy paste it font. Now after copying this no field, now here see we need to object expand appearance. Now selecting these things, and here with the help of eraser tool, what I'm going to do here, just deleting this part, और यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि मैं इसको सिलेक्ट करके बैठा हुआ हूँ, आई एम सिलेक्टिंग ओनली दिस पार्ट, जस्ट इरेजर अंडरस्टैंड दिस, एंड जस्ट इरेजर जस्ट इरेज दिस पार्ट ओनली, ओके, नॉट दिस पार्ट, ओके, दिस इज ए वेरी गुड फीचर ऑफ, आई लाइक दिस थिंग्स एंड आई वांट टू शेयर विद यू. So here our illustrations is almost done. So here you can give some shadow. So making shadow for alt, now in alt here, now just here with the help of alt tool, now cut this portions. You can see this is a nice type of shadow we can create with the help of this paint. Okay, and now change the opacity. Okay, and paste it like this, but I think this portions is not necessary. Ungrouping this one, and this is not necessary, this is not necessary, just we have got this one, and change the opacity and place it over here, right on the place, right on this place over here. So it's giving a nice look. Okay, so here we can get this nice effect. So for giving nice effect, just some realistic change this things, just select this one and select this one also, and you can cut this portions, or otherwise you can
use the shape builder tool, hit here and alt. This is thing here from this portions you can cut this one. Now copy paste it font, transform, reflect, hit OK. Okay, now put it over here. Put it over here. So now it's some realistic appearance. So and here we need to fix this portions also. I'm just putting. You can change the depth of your illustrations. So for this options we're going to just keep it aside. Now here we need to change something like this. Okay, so with the help of shape builder tool, select this one, ungrouping this one. Select this one, select this one with the help of zip, and this is cut this one for making shadow. Just go to this options and so here we go. Our illustrations is almost ready, grouping everything, but here we need one thing that is very essential here. It's very essential here, and change this one. So this thing is very thicker. Okay. Now this is because it's give you some realistic thing. So we need with this pen tool that's better here. So give this nice strokes, I think it's better. Now change this is things like this, and this is like this, and here I think it's better. Portions like this, and little bit of this kind of thing. So this portions, place it over here, and now I think that it's putting it here, and go to the expand everything. And delete this one, and hitting this portions, hitting this portions, and put it over here.
okay, this is the portions, and over here copy pasted font. Now reflect, transform reflect, okay, and putting over here. So we got this options, this options for making more realistic type of thing. So take over and just zooming out in, that you can see what I'm doing here. Okay, nice. So okay, group everything. Now put this one. Thing a bit up. This is okay. Now I think this looks better. Okay, this something like that. Okay. So our illustrations is ready. Thank you very much for watching. You can put more shadows for making them more realistic. So this is a nice avatar for African and type of lady. Okay. African American lady with the curly hair. Okay, and here I show you how can you create this type of curly hair. Okay, so thank you very much for watching. Till then, stay tuned. Bye bye.